हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों, अगर आप बोर्ड परीक्षा 2020 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको 12th फिजिक्स के पहला चैप्टर वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत द्विध्रुव के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2020 लाया हूँ। अति लघु, लघुत्री, साथ में दीर्घोत्री भी बताऊँगा, और साथ में आपको मैं न्यूमेरिकल भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से करके दिखाऊंगा, ताकि आप इस तरीके की न्यूमेरिकल तुरंत कर सकें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे सिर्फ चैनल से पढ़ाई कर आप चाहोगे तो 95% तक स्कोर कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर आपको स्थिर वैद्युत की इकाई के मैंने 8 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। 8 वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एकदम पार्ट वाइज। अगर आप ये 8 वीडियो तैयार कर लिए तो आपको इस चैप्टर से ऐसा एक भी क्वेश्चन ना रहेगा जो आप ना कर सके। फिर उसके बाद ये दो यूनिट इसमें रहेगा, वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत द्विध्रुव, और वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। दोनों के लिए अलग अलग मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आएंगे। पहला आज वीडियो आ रहा है वैद्युत क्षेत्र आवेश तथा द्विध्रुव की, ठीक है। फिर आपको फिजिक्स के 2019 के जितने भी सातों सेट पेपर सभी जिलों में आए थे वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको क्या दे दे रहा हूँ, आपको मैं नोट्स दे दे रहा हूँ, हैंड नोट्स। अगर आप ये नोट्स और ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अगर बस आप इतना तैयार कर लिए तो ये स्थिर विद्युतकी में से ऐसा बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो आप ना कर सके। उससे पहले मैं अपने चैनल के बारे में बता दूँ, ये वही चैनल है जो बोर्ड एग्जाम 2019 के बोर्ड परीक्षा में सबसे टॉप रैंक देने वाला है। इस चैनल से पढ़ाई करके 92% से अधिक छात्र छात्राओं ने अंक अर्जित किए हैं। तो अगर आप भी 2020 की बोर्ड परीक्षा में 95% 90% पाना चाहते हो तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, जिससे आपको इस चैनल की एक भी वीडियो मिस ना हो सके, ठीक है। और सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल दबाना, तो उस पर ऑल पे क्लिक कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ, आपको मैं आज के इस वीडियो में 12th फिजिक्स का वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत द्विध्रुव के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन सहित दूंगा, ठीक है। वो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, और साथ में इसी तरह आपको अगर सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर के वीडियो चाहिए तो वो कैसे आपको मिलेगा, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न की, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में तीन तरीके के प्रश्न आएंगे, अति लघु, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी, ठीक है। और उसमें एक बहुविकल्पी आएगा, जो मैं बहुविकल्पी के लिए आपको 200 क्वेश्चन दूंगा, ये चैप्टर्स के रहेंगे, ठीक है। जैसे फिजिक्स के जितने भी चैप्टर है उसमें जितने भी बहुविकल्पी रहेंगे उसका पीडीएफ मैं एक साथ दे दूंगा, ठीक है। वो 5 नंबर का आता है बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। तो इस 5 नंबर की चिंता मत करिए, अभी आप मेन फोकस करिए अति लघु, लघुत्री, दीर्घोत्तरी और न्यूमेरिकल पे, ठीक है। तो अति लघु की बात करते हैं तो वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत द्विध्रुव का जो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है वैद्युत द्विगुण आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। वैद्युत द्विगुण आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2005, 8, 9 और 16 और 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए, कूलॉम्ब के नियम का सदिश रूप बताइए, ठीक है। कूलॉम्ब के नियम का सदिश रूप आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की आपको तीव्रता की परिभाषा तथा आपको मात्रक लिखना है, ठीक है। यह प्रश्न 17, 16, 15, 13, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप जरूर तैयार करके चलना, और जो मैं आपको नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा वो और ये 8 वीडियो अगर आप देख लिए तो मैं आपको गारंटी बता सकता हूँ, आपको इस इकाई से एक भी प्रश्न ऐसा बोर्ड एग्जाम में ना आएगा, नहीं आ सकता जो आप ना कर सके, ठीक है। अब बात करते हैं लघु उत्तरी प्रश्न के, लघु उत्तरी प्रश्न और कुछ भी डाउनलोड करने से पहले इस वीडियो को जरूर अंत तक देख लेना, नहीं तो इन क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे आप करोगे, काफ़ी टाइम आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। उससे अच्छा इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो, सारी आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लघु उत्तरी प्रश्न में जो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कूलॉम्ब का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। आपका कूलॉम्ब का नियम इस वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विगु से एक या दो नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। कूलॉम्ब का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए, यह प्रश्न 3 साल बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लघु उत्तरी के लिए, वह है वैद्युत द्विगु से क्या तात्पर्य है। किसी वैद्युत द्विगु को एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति में थीटा कोण से घुमाने में किए गए कार्य का आपको सूत्र निगमन या प्राप्त करना है, ठीक है। यह प्रश्न भी 2 साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब मैं जो आपको बात करूंगा, ये 5 नंबर के प्रश्न आते हैं, इसमें मैं आपको टोटल 2 प्रश्न बताऊंगा। दोनों प्रश्न यहाँ पर देख लो, ये प्रश्न आया 6-7 साल और ये भी 5-6 साल आ चुका है। जो पहला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है दीर्घ उत्तरी के लिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे
वैद्युत द्विगु पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विगु आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। ठीक है, यह प्रश्न देख लो 5, 8, 11, 14, 17 और बोर्ड परीक्षा 2019 से पूछा जा चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घोत्तरी प्रश्न है, वैद्युत द्विगु की अच्छी दिशा में अत्याधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, यह इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। 2019, 17, 16, 15, 14 इतने वर्षों ये आ चुका है। ठीक है, तो ये इस वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत द्विगु के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न है। ठीक है, अभी मैं आपको न्यूमेरिकल करके दिखा रहा हूँ। अगर आपको वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय और सभी सब्जेक्ट और सभी चैप्टर के चाहिए तो वीडियो अंत तक देखना, मैं बताऊंगा सभी सब्जेक्ट और इसका नेक्स्ट पार्ट कैसे आपको मिलेगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं एक न्यूमेरिकल है जो बोर्ड एग्जाम में 3 साल पूछा जा चुका है, 2019 में भी ऐसा ही न्यूमेरिकल आ चुका है। एक चालक पर 1 कूलम का ऋण आवेश है। ठीक है, यहाँ पर देखो, एक चालक पर 1 कूलम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चालक पर 1 कूलम का ऋण आवेश है। ठीक है, तो क्यों यहाँ पर क्या क्या दिया है, दिया है लिख लोगे क्यू इक्वल टू दिया है 1 कूलम। ठीक है, क्यू इक्वल टू दिया है 1 कूलम, तो इसको सिंपली लिख लोगे। और आपको कुछ दिया है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻¹⁹, क्योंकि ये फॉर्मूला में यूज़ होगा इसलिए मैंने इसको लिख लिया है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ठीक है, मतलब एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एन की वैल्यू निकालनी है, तो अब आपको करना क्या है, देखो आवेश इक्वल टू क्या होता है, जब आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल टू होता है एन ए। ठीक है, अब आपको यहाँ पर निकालना क्या है, ये एन निकालना है, तो इस एन को इधर लाओगे। ठीक है, तो एन इक्वल टू लिख दोगे तो क्यू ऊपर रह जाएगा और ई ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू आपको पुट करना है, ठीक है, क्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1, और ये आपकी ई की वैल्यू है 1.6 × 10⁻¹⁹। ठीक है, ये जो आप इसको डिवाइड करोगे वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, उतना इलेक्ट्रॉन आपका आंसर हो जाएगा। तो आप सभी इसको कमेंट के नीचे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट के नीचे बताओ कि इसको डिवाइड करने पर कितना आ रहा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको, अभी मैं न्यूमेरिकल के लिए एक अलग से वीडियो इस चैप्टर का बना दूंगा। मैंने इस चैप्टर के, इस इकाई के 8-9 वीडियो टोटल बना चुका हूँ। ठीक है, अगर आप ये 9 वीडियो एकदम अच्छे से देख लिए तो मैं आपको श्योर बता सकता हूँ आपको इसमें एक भी ऐसा टॉपिक, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बच जाएगा जो आप ना कर सको। ठीक है, आपको अब बता दूँ, अगर आपको इसी तरीके के सभी सब्जेक्ट सभी चैप्टर्स की वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कुछ मत करो, और इसको सॉल्यूशन में चाहिए तो टॉप 100 बैच ज्वाइन करो, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर इसी तरह सभी चैप्टर के 7-8 पार्ट में मिल जाएंगे, आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर का नोट्स दे दिया है, देख लो कैसे मेरे नोट्स हैं। फिर आपको लास्ट ईयर का पेपर मिल जाएगा, इस वीडियो के नीचे मैंने फिजिक्स के 2019 के जो 7 सेट पेपर आए थे वो मैंने PDF के रूप में दे दिया है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है, जो NCERT और पिछले वर्षों के पेपर के आधारित पर बन रहे हैं। साथ में आपको बेस्ट प्लानिंग के तहत तैयारी कराई जाएगी, जिससे आप कम समय में बहुत अधिक मार्क्स सभी सब्जेक्ट में पा सको। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट में, तो इसके लिए मात्र ₹500 फीस है पूरे साल की। ठीक है, जिसमें आपको इन सब प्रश्न जो वीडियो आएंगे उनके आंसर मिल जाएंगे, नोट्स सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो लेक्चर, सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको 70 84 81 700 पर मैसेज करना है कि सर हमें आपका टॉप 100 बैच ज्वाइन करना है। ठीक है, जितने भी छात्र ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। आपको मैं इसी तरीके से नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इस चैप्टर का वो ये रहेगा, फिर हम लोग इसी तरह जो जो चैप्टर मैं पढ़ाते चलूँगा उसका मैं इसी तरह वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो बनाते चलूंगा। ठीक है, इससे आप अभी से ये सब याद करते चलो और बोर्ड एग्जाम तक आपको ये रटा जाए, इससे आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें से आए तो आप तुरंत कर सको। ठीक है, और मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अगर आप मेरे नोट्स और ये वीडियो देख लिए तो आपको इस चैप्टर से ऐसा एक भी क्वेश्चन ना रहेगा बोर्ड एग्जाम में जो आप ना कर सको। ठीक है, तो आप मेरे नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना और इस वीडियो को जरूर देख लेना, 8 पार्ट अगर आप देख लिए तो इन सभी का आंसर आप खुद से दे सकोगे। ठीक है, और इसमें से मुझे ये भी बताना कि अभी तक आपको कितने प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में आ रहा है। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो, इस वीडियो पे 500 लाइक कम से कम करो और चैनल पर सब्सक्राइब करो, जिससे मैं किसी भी चैप्टर का वीडियो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूँ तो आपको सबसे पहले फ्री में मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप अपने दोस्तों से, क्योंकि ये वही चैनल है जो बोर्ड एग्जाम 2019 में सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाला है। मैंने सभी का प्रूफ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है टॉपर का, आप एक बार उसको भी जाकर देख लेना। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।